ये प्रोटोकॉल ये वो मैं तो नहीं मान रही। किसने बोल दिया कि नहीं जी मुख्यमंत्री सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं बस बोल के चले जाते हैं? क्यों मुख्यमंत्री में तो आम ही होता है, आम लोगों में तरलोचन सिंह जी बैठे हैं, बल्ली साहब बैठे हैं, चरणजीत भुल्लर बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं सारे, इनके साथ अभी भी एक एक घंटा बातें होती रहती है फोन पर जैसे पहले होती थी, तो बदलना क्यों? सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज मीडिया को बहुत बहुत ही क्रूशल टाइम से मीडिया गुजर रहा है, नॉट ओनली प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत क्रूशल टाइम से गुजर रहा है। कैसे कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे खबरें रुकवाई गिरवाई जाती हैं, बस ये तो कभी सोचा नहीं था कि अखबार जो है जब टीवी पर खबर कोई रुक भी सकती है या कोई बढ़ भी सकती है। तो जर्नलिज्म है अपनी मर्जी का लिखो, ओपिनियन हो सकता है आपका, तो ओपिनियन को भी दबाया जा रहा है, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा। कभी सब जो हेडलाइंस है वो फील्ड से कोई और आती है, टेबल तक जाते जाते कुछ और हो जाती है, हेडलाइन से खबर का मतलब बदल जाता है, तो फिर वो फील्ड वाला दुखी होता है। अगर मैंने इतना मेहनत करके एक बहुत अच्छा टाइटल बना के दिया था वो कुछ और ही छप गया, फिर उसका अपने अखबार से भरोसा उठता है मालिकों से, या उनकी मजबूरी रहती होगी मालिकों की, तो ये नहीं होना चाहिए। पत्रकार का मतलब है वो जो देखे वो लिख दे, जो जो सही देखा सही लिख दे, गलत देखा गलत लिख दे। अब कितनी देर में गलत लिख लोगे फिर आप, सही को गलत कितनी देर कर लोगे आप? एक दिन तो सामना करना ही पड़ेगा सच का, लोगों को भी पता चलता जाएगा भी यार ये हुआ तो ऐसे था, लिखा ऐसे था, ये तो कुछ और बात है यार, फिर इसका मतलब कोई और खबर है। तो मेरा एक ओपिनियन, बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं मेरे से बहुत सीनियर है, मैं कोई आपको कोई बयान देने या कोई ज्ञान देने नहीं आया, मेरा एक ओपिनियन है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल है, मैं अभी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जब तक पत्रकारों के सवाल खत्म नहीं होते मैं उठता नहीं, क्योंकि मेरे पास जवाब है ना। अगर मैं किसी बात से कहना हूँ कोई मेरी को लूपहोल है तब तो मैं कोई सवाल को टेढ़ा करूँगा इधर करूँगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी बात से डरता हूँ कि पत्रकार ये पूछ लेगा तो मैं कह दूँ फिर मैं अक्षय कुमार से बात करूँगा कि तू बर मैं नहीं बुलाऊँगा क्या करूँगा। तो एक बात थोड़ी सी अगर हो सकती है, यंग भी लड़के बैठे हैं लोग अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े उन्होंने इस फील्ड में, अभी तो वेब चैनल भी आ गए हैं उनके, अपने वेब चैनल भी चलाते हैं बहुत से। एक जैसे आईपीएस और आईएएस में है ना अग्रवाल साहब, तो जब आईपीएस आईएएस नहीं करते उनकी ड्यूटी ना 2-3 महीने गांव में लगती है, उनकी ड्यूटी एक चौकी में लग जाती है आईपीएस की, तो चौकी का थानेदार बन, ताकि तू रिमोट में देख लोगों की मुश्किलें, जब तू एसएसपी बनेगा तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। मैं यही आपके फील्ड में चाहता हूँ, थोड़ा सा शिफ्टिंग करके देखो, जो चंडीगढ़ में बैठे उनको थोड़ा फील्ड में लेके जाइए और फील्ड वालों को चंडीगढ़ दिखा दीजिए,